ऑलराइट, तो कैसे हो गाइस आप सभी लोग। गाइस आप लोग देख सकते हो आज हमारे पास बहुत सारी इंडियन एसयूवी कार्स हैं एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी सुपर कार्स भी हैं। एंड अगर सामने की तरफ आप लोग देखो गाइस आज बहुत ज्यादा बड़ा रैंप है हमारे पास। लिटरली में गाइस ये 1500 फीट ऊंचा रैंप है, आप लोग देख सकते हो गाइस। इसके ऊपर लिखा भी है नंबर वाइज कि ये कितना ज्यादा बड़ा ऊंचा रैंप है। एंड देखते हैं गाइस आज हमारी कौन सी गाड़ी कितना ऊंचा जंप कर पाती है, इस रैंप को कितने फीट तक कंप्लीट कर पाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस हमारे पास महिंद्रा थार है, हमारे पास फॉर्चूनर है और भी बहुत सारी इंडियन कार्स हैं। एंड अगर हम लोग सुपर कार्स में देखें हमारे पास गाइस लैम्बोर्गिनी है, यहाँ पे मैक्लेरन है, फेरारी है एंड BMW भी है। तो चलते हैं गाइस अपने फर्स्ट कार की तरफ। ऑलराइट गाइस, जो फर्स्ट कार मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ वो है महिंद्रा थार। आप लोग देख सकते हो गाइस इंडिया की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एसयूवी कार है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पीड देती है। देखते हैं गाइस ये कितना ज्यादा फीट इस रैंप को कंप्लीट कर पाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस 4 फीट से तो ऊपर, ओके गाइस 5 फीट से भी ऊपर जा चुकी है, लेकिन गाइस यहाँ पे ये उलट चुकी है गाड़ी नीचे की तरफ आते हुए। आप लोग देख सकते हो गाइस 5.5 फीट तक ये गाड़ी जा चुकी थी, बट गाइस इस वाले चैलेंज को ये कंप्लीट नहीं कर पाई। लिटरली में गाइस 1500 फीट ऊंचा रैंप है, कहां ये छोटी सी कार कंप्लीट कर पाएगी। हम लोग चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट कार जो यहां पे मैं लेके जाने वाले वो है हैरियर। आप लोग देख सकते हो गाइस कौन से यूट्यूबर के पास हैरियर है मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। एंड आप लोग गाइस देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसयूवी होता है ये वैसे। एंड देखते गाइस ये कितना ज्यादा ऊपर जा पाती है। ओके गाइस यहां पे 5.5, ओके गाइस 6 फीट से ऊपर थोड़ा सा ऊपर जा चुकी थी गाइस, 6 फीट से थोड़ा सा ऊपर हमारी हैरियर जा चुकी थी। थार के रिकॉर्ड को तो गाइस यहाँ पे हैरियर ने तोड़ दिया, बट गाइस ये भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, तो गाइस यहाँ पे इसको खड़ा करते थार के पास एंड चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट कार में यहाँ पे एक सुपर कार, एक लग्जरी कार लेके जाने वाले वो है रोल्स रॉयस। आप लोग देख सकते हो गाइस ये बहुत ही ज्यादा लग्जरी कार होती है, मुझे नहीं लगता गाइस ये इतना ऊपर जा पाएगी। बट वेट, आप लोग देख सकते हो गाइस 4 फीट से तो ऊपर, ओके 5 फीट, 6 फीट, लिटरली मैं 7 फीट को जरा सा रह गया, 7 फीट को टच करने ही वाली थी। बट गाइस यहाँ पे हमारी रोल्स रॉयस भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। हम लोग चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ब्यूटीफुल से कार की तरफ। वेल तो गाइस नेक्स्ट कार जो मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ वो है फॉर्चूनर लेजेंडर। आप लोग देख सकते हो गाइस गाड़ी का लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंड गाइस कौन से यूट्यूबर के पास ये वाली कार है मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। एंड देखते हैं गाइस हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। आप लोग देख सकते हो गाइस रैंप के ऊपर तो हम लोग आ चुके हैं एंड 5 फीट तो ऑलरेडी टच कर ही दिया था, बट वेट गाइस हमारी कार पीछे की तरफ जा रही है। एंड गाइस यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं दिया हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर ने, 5 फीट ही गाइस ऊपर गई है। एंड गाड़ी का कंडीशन आप लोग देख सकते हो, गाड़ी को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट गाइस, जो नेक्स्ट कार मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ वो एक सुपर कार है जो की मैक्लेरन है। आप लोग देख सकते हो गाइस इसका कलर गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, लिटरली में गाइस कुछ यूनिक सा कलर है इसका। एंड देखते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है इस बड़े से रैंप पर। आप लोग देख सकते हो गाइस 5 फीट से तो ये ऊपर जा, ओके 6 फीट, 7 फीट गाइस यहाँ पे टच कर दिया हमारी मैक्लेरन ने, बट गाइस यहाँ पे इससे आगे नहीं जा पाई हमारी मैक्लेरन, एक बहुत ही गंदी तरीके से नीचे आ चुकी है। आप लोग देख सकते हो गाइस गाड़ी का कंडीशन, गाड़ी को इतना कुछ खास कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे इसको कड़ी कर चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑलराइट तो गाइस नेक्स्ट कार जो यहाँ पे मैं लेके जाने वाला हूँ वो है स्कॉर्पियो S11। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया कार है, बहुत ही अच्छा लुक है गाइस कार का। एंड देखते हैं गाइस ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस एक एसयूवी कार है तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं देगी एक सुपर कार से, बट गाइस यहाँ पे 7 फीट को टच कर दिया है लिटरली में गाइस इस एसयूवी कार ने, मैक्लेरन को टक्कर दी है गाइस, मैक्लेरन के बिल्कुल ही पास जाकर खड़ी हो चुकी है। एंड हम लोग चलते गाइस अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट तो गाइस नेक्स्ट कार जो यहाँ पे मैं लेके जाने वाला हूँ वो है फेरारी। एंड देखते हैं गाइस एक सुपर कार होने के नाते ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। मुझे लगता है गाइस बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगी। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस 7 फीट से तो ऊपर चली गई, 9 फीट, ओके गाइस यहाँ पे 10 फीट को टच कर दिया है लिटरली में गाइस हमारी फेरारी ने, यहाँ पे गाइस 10 फीट को ऑलरेडी टच कर दिया था, बट गाइस यहाँ पे नीचे आ चुकी है। चैलेंज को कंप्लीट तो नहीं कर पाई, बट गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
इसको खड़ी करके चलते हम लोग नेक्स्ट कार की तरफ। ओके गाइस, तो अभी मैं लेके जाने वाला हूं BMW को। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑरेंज सा कलर है इसका, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड इसके बाद गाइस हमारी लैम्बोर्गिनी, देखते हैं गाइस ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। ओके आप लोग देख सकते हो गाइस 5 फीट से तो ऊपर, ओके गाइस यहाँ पे 7 फीट, 7.5 फीट तक गाइस यहाँ पे गाड़ी जा चुकी है, बट गाइस उससे आगे नहीं जा पाई एंड पीछे की तरफ आ रही है। एंड गाइस यहाँ पे गाड़ी की कंडीशन भी मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हो, बिकॉज गाइस बहुत ही खराब तरीके से गाड़ी नीचे आई है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट, हमारी गाइस सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो लैम्बोर्गिनी, जो कि लास्ट कार होने वाली है इस चैलेंज का। एंड अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड देखते हैं गाइस हमारी लैम्बोर्गिनी कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से रैंप पर तो हम लोग आ चुके हैं। एंड वेट गाइस यहाँ पे लिटरली में 11, 12, 13, ओके गाइस यहाँ पे 15 फीट से भी, लिटरली में आप लोग देख सकते हो 15 फीट से भी ऊपर हमारी लैम्बोर्गिनी ने जंप कर दिए गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से। हमारी लैम्बोर्गिनी ने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया। वेट गाइस सारी गाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गाइस, यहाँ पे 15 फीट से भी हमारी लैम्बोर्गिनी ऊपर की तरफ चली गई। गाइस मैं तो एक दफा फिर से ये वाला चैलेंज करने वाला हूँ इस वाली लैम्बोर्गिनी के साथ। ऑल राइट, तो यहाँ पे गाइस मैं एक दफा फिर से रैंप पे आ चुका हूँ। एंड देखते हैं गाइस फिर से एक दफा चैलेंज करके, आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही तेजी से हमारी लैम्बोर्गिनी ऊपर की तरफ जाते हुए। एंड गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हो फिर से एक दफा 15 फीट से ऊपर चली गई हमारी लैम्बोर्गिनी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिए गाइस इस वाली कार ने, सारी कार का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। वेट गाइस आप लोग देख सकते हो, एंड गाइस इसको लिटरली में कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग इसका कंडीशन देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हमारी लैम्बोर्गिनी ने इस वाले चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है। अगर तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जाकर लैम्बोर्गिनी OP लिख देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।